सर जो बॉडी माइंड में जो भी हो रहा है, मतलब जो हो रहा है सर, इसकी मतलब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर एल्स इज हैपनिंग. डू वी हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट और इज इट जस्ट हैपनिंग? देखिए, यदि आपका उस पर जरा भी बस ना होता तो आपको जरा भी कष्ट भी नहीं होता. जीवन हमारा कंटकाकीर्ण है, हर तरीके के क्लेश से भरा हुआ है. यही प्रमाण है इस बात का कि भीतर कुछ है जो कुछ और चाह रहा है, कि हमारा स्वभाव कुछ और है और हमारे जीने के तरीके कुछ और हैं. यदि आप पूर्णतया यांत्रिक होते, यदि आप मशीन ही होते, आपका प्रश्न ये है कि जो कुछ भी घट रहा है मन में और शरीर में, बॉडी माइंड में, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. ये मशीन के साथ होता है. घड़ी का कोई नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर, किसी भी मशीन का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता. पर कोई मशीन आज तक अवसादग्रस्त भी नहीं देखी गई, किसी मशीन को आज तक पागल भी नहीं करार दिया गया, कोई मशीन रोती हुई नहीं पाई गई. इंसान तड़पता है और इंसान का तड़पना इस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन में और हमारे स्वभाव में दूरी है, भिन्नता है. तो नियंत्रण है. नियंत्रण ना होता तो आपके भीतर से ये पुकार नहीं उठती. आप ये प्रश्न भी ना पूछते जो भी आपने पूछा है. कोई मशीन क्या कभी ये सवाल पूछती पाई गई है कि मैं क्या सिर्फ मशीन हूं? किसी मशीन ने कभी आत्मजिज्ञासा करी है कि मैं हूं कौन और मुझे क्या करना चाहिए? मशीन को तो आप जैसा प्रोग्राम कर देंगे वो उसी अनुसार काम करती रहेगी, पर आपको ये जिज्ञासा उठती है, आपको ये संदेह उठता है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है. यही बताता है कि आप सिर्फ वो नहीं हैं जो आपको बाहर बाहर से बना दिया गया है. जो कुछ भी आपको परंपरा ने या शिक्षा ने या समाज ने, मीडिया ने दे दिया है, आप मात्र वही नहीं हैं. कोई मशीन कभी विद्रोह नहीं करने वाली है कि तुम मुझसे इस प्रकार के काम क्यों करा रहे हो. आप बंदूक उठा करके बुद्ध की हत्या कर दें, बंदूक को किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं होगी. बंदूक कभी नहीं कहेगी ये क्या करवा दिया मुझसे. आपको ग्लानि उठती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा हूं मैं, और वो ग्लानि तब भी उठती है जब पूरा जमाना आपसे कह रहा हो कि तुमने बहुत अच्छा किया. ऐसा होता है कि नहीं होता है? पूरी दुनिया आपको शाबाशी दे रही होती है, पूरी दुनिया आपसे कह रही होती है कि वाह दोस्त, क्या तुम्हारे लिए आज खूबसूरत दिन है, आज तुम्हें ये तरक्की मिली है, आज तुम्हारे घर में ये उत्सव है, आज तुम्हारे जीवन में ये खास घटना घट रही है. और आप पाते हैं कि आपको पक्का भरोसा नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है. जमाना तो आपको आश्वस्त कर रहा है, वो आपको तरीके तरीके से बता रहा है कि सब ठीक है और जो हो रहा है यही होना चाहिए, पर पाया है कि नहीं कि भीतर कुछ मान रहा नहीं होता है. ऊपर ऊपर आप मुस्कुरा रहे होते हैं और भीतर ही भीतर कुछ होता है जो कह रहा होता है ना, जो चल रहा है वो सच नहीं है, जो चल रहा है वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, जैसा जीवन है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. ये प्रमाण है इस बात का कि आप अपनी कंडीशनिंग, अपने संस्कारों के आगे भी कुछ हैं. तो पक्के तौर पर आश्वस्त रहें और भरोसा करें. सर, आपने दो शब्द यूज किए, ज्ञान और अज्ञान. तीसरा शब्द है प्रज्ञा, तो वो क्या है? तो वही वो वही है ज्ञान प्रज्ञान प्रज्ञा। बुद्धि जो ज्ञान की तरफ सदा आकृष्ट रहती है, बुद्धि जो निरंतर उत्तेजना की तरफ बढ़ती है, वो बुद्धि जब शांति की ओर बढ़ने लग जाती है तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। जैसे मन हमेशा कुछ ऐसा चाहता है जो उसके भार को, उसके आकार को बढ़ाता चले। प्रज्ञा बुद्धि की वो अवस्था है जिसमें वो अपना ही विगलन चाहती है, समर्पित अवस्था है। आप सद्बुद्धि को ही प्रज्ञा समझ लीजिए।